जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने यहाँ भारत में सभी जगह आलू हो जाने के बाद एक जगह और है, कर्नाटक, जो कि हसन में पड़ता है। और हसन में क्या है कि यहाँ का आलू जैसे ही समापन होकर कोल्ड स्टोर में जाता है, वैसे ही सभी लोगों की निगाहें हसन के आलू पे टिक जाती हैं कि इस साल जो हसन के आलू की फसल है वो कैसी है, उसी पे डिपेंड करता है आलू का भविष्य, ऐसा सभी लोग सोचते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हसन में जो आलू की बिजाई है वो शुरू हो गई है और कब से हुई है, क्या हुई है, पिछले साल से क्या कैसा इस साल उसका प्रोसेस है। अभी क्या है, फिलहाल में कर्नाटक के हसन में, मतलब जो भी है दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब बारिश जो है लगातार 9 तारीख से और लगभग आपका 12-13 तारीख तक अच्छी तरीके से बारिश हुई और बारिश से वहाँ का मौसम अनुकूल हो गया, मतलब बढ़िया एकदम कूल। आलू की बुझाई मतलब जिस टेम्परेचर में होती है उस लायक टेम्परेचर हो गया वहाँ बारिश होने से। अब क्या होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे वहाँ पे 9 मई को आलू का बीजा का स्वारंभ हो गया था, बिचाई का, मतलब आलू का जो बीजा खरीदारी का स्वारंभ हो गया था, मतलब जो भी बीजा बिक्री होता है वहां पे शुरुआत हो गया था 9 तारीख से, 9 मई 2022। तो क्या है कि अभी वहां पे जो बीजा है उस बीजा का रेट जो है, राशन बीजा 2700 से लेके 2800 रुपये प्रति क्विंटल और वेफर 3800 से लेके 4400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मुहूर्त हुआ था और लगभग गाड़ियां वहां पे 100 से लेकर और 125 गाड़ियां वहां पे पहुंची हुई थी पहले दिन 9 मई को। और वहां के लोग ये बताते हैं कि भैया इस साल जो भी है, मतलब वहां की भाषा दूसरी होती है, यहाँ की भाषा दूसरी है, वो लोग यही कहते हैं भैया हर साल की अपेक्षा से इस साल आलू का जो बीजा है बहुत महंगा है, इसलिए हमने, मतलब वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पता चला है कि इस साल जो भी किसान भाई है मतलब बिजाई करने के लिए कम इच्छुक हैं, मतलब इच्छुक तो हैं लेकिन कम लोग। दरअसल बात यह है इस साल बीजा महंगा है, पिछली साल से ठीक आधा दुगना, मतलब पिछली साल भाई 1500, 1600, 1700, 1800 और इस साल सीधा आपका 4000 रुपये 3800 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा, मतलब ठीक आधे रुपए मतलब महंगा है 2021 से 2022 में। तो वहाँ के लोग बताते भैया इस साल बहुत कम लोग इच्छुक हैं बिजाई करने के लिए। तो अब क्या होता है, माना कि उन्होंने 9 तारीख को बीजा खरीद लिया, ठीक है, 8-10 दिन तक उसको घर पे रखेंगे, 8-10 दिन तक घर पे रखने के बाद क्या होगा, समथिंग आज मान के चलो आपका लगभग 17 तारीख हो गया है, तो अब वो लोग क्या करेंगे 20 तारीख से, मतलब 9 तारीख को लिया था 10-12 दिन घर पे रखेंगे, 20 तारीख से आलू की बिजाई भी शुरू हो जाएगी कर्नाटक में, कर्नाटक के हसन में 20 तारीख से लगभग बिजाई शुरू होगी। अब बिजाई शुरू होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो सामने आएगा, मतलब जितनी भी बिजाई होगी वो अपने आप पता चली जाएगी कि पिछले साल से ज़्यादा हुई है या कम। लेकिन इस साल क्या हुआ था वहाँ 2021 में, मतलब जो भी है आलू ज़्यादा थोड़ा गलगला गया था, सड़सड़ा गया था, इसलिए बीचा जो है कम मात्रा में हो पाया। दूसरा क्या हुआ था, इस साल थोड़ा भाड़ा भी बहुत महंगा था, जो कि लोग पंजाब के जलंधर से आलू बीजा ले जाके वहाँ पे नहीं पहुँचा पाए थे। और इस साल पिछली, मतलब इस साल क्या, हर साल की अपेक्षा से इसी साल वहाँ पे कोल्ड स्टोर खाली रह गए थे, पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे कोल्ड स्टोर खाली रह गए थे। और मतलब लोग ये भी बताते हैं कि भाई ये फसल जो है आपका, अभी अगर गाड़ी जाएगी आपकी मई जून जुलाई और लगभग अगस्त में ये फसल जो है मार्केट में भी आने लगती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। लेकिन आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा, आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आलू का रोजाना का अपडेट, चाहे वो कहीं का भी हो, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने का काम करते हैं। तो आप लोग आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में बेल आइकन का निशान आएगा उसे भी प्रेस कर लेना, उससे क्या होता है जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी और जानकारी आप सबसे पहले जान पाओगे। आज की वीडियो की जानकारी यही थी,
कि कर्नाटक के हसन में आलू की बिजाई कम से कम 20 मई से शुरुआत हो जाएगी, और ये बिजाई जो है आपका मई जून और लगभग जुलाई तक आराम से चलती रहेगी, महीने दो महीने तो चलती है, तो ये बिजाई चलती रहेगी। और उसके बावजूद भी ये वाला आलू जो अब गड़ेगा ना, तो ये आलू जो है मार्केट में कम से कम आपका कब तक आ जाएगा राशन आलू बिक्री, ये आलू आपका आ जाएगा लगभग जुलाई में आ जाएगा मान चलो। तो जो भी भाव खुलता है और जितनी भी बिजाई होती है, जो जो जानकारी मिलती जा रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल में इतनी जानकारी बहुत है कि भी वहाँ पे बारिश हुआ था, बारिश से वहाँ पे मौसम अनुकूल हो गया, जिससे किसान भाई बहुत खुश है और अपनी आलू की बिजाई भी उन्होंने शुरू कर दी है। और इस साल बिजाई संभावना है कि कम होगी और बीजा महंगा है, कारण यही है। बाद बाकी जितना भी जो भी होगा आप लोगों को